मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाई स्पीड ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी। विदिशा स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग ट्रेन को देखने आए। यह नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन है। रेलवे ने ट्रेन की औसत गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। भोपाल से रेवांचल एक्सप्रेस में चलकर सतना पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सबसे पहले सतना स्थित संघ कार्यालय नारायण कुटी पहुंचकर संघ के पद अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद मझगवां में आयोजित वीरांगना दुर्गावती की 500वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी किया। भोपाल के बिशनखेड़ी में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के न्यू मीडिया और पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि न्यू मीडिया के विद्यार्थियों ने शाम को छात्रावास के अंदर घुसकर मारपीट तोड़फोड़ की। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं कुछ छात्रों ने इस घटना का मोबाइल पर वीडियो भी बना लिया। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन चौंकना हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों पर भड़के, बोले दुनिया में सबसे बड़ा नाम राम है। जुलूस पर पत्थर फेंकना देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। पनागर में चल रही भागवत कथा के विश्राम दिवस पर व्यासपीठ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रास महाराज की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने एक रास किया है, पर राम जी ने 999 रास रचाए हैं। राम जी को आप कम ना मानना, वे भी गुरु हैं, कृष्ण उनके चेले जैसे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को इंदौर में रामनवमी पर स्नेह नगर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों से बातचीत भी की। पीड़ितों ने उन्हें हादसे की आप बीती भी बताई। हालांकि उन्हें सभी घरों में जाना था, लेकिन वह 2-3 घरों में जाकर लौट गए, इसे लोगों में नाराजगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।